हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में आज हम एडवांस एक्सेल फीचर डेटा वैलिडेशन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। डेटा वैलिडेशन होता क्या है? डेटा वैलिडेशन एक्सेल का वो फीचर है जो हमें हेल्प करता है मिस्टेक्स को अवॉइड करने में। इस फीचर को यूज करके हम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिकॉर्ड करना है, हमें रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स के एग्जाम मार्क्स को, स्टूडेंट एग्जाम मार्क्स हमें रिकॉर्ड करना है। अब ये हम सब जानते हैं कि एग्जाम का जो मार्क्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। 0 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और 100 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और हमें इंश्योर करना है कि जब हम डेटा एंटर कर रहे हैं, स्टूडेंट का एग्जाम मार्क्स हम एंटर कर रहे हैं एक्सेल शीट में, तो हम जब एंटर करें तो हमें इंश्योर करना है कि जो हमने एंटर किया है वो इसी रेंज के बीच में हो, वो 0 से 100 के बीच में ही हो। तो ये इंश्योर करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन फीचर यूज करेंगे एक्सेल का, जिससे कि गलती से भी जो डेटा एंटर हो रहा है वो 0 से 100 के बाहर का डेटा ना हो, वो इसी रेंज का ही डेटा हो। हमें ये इंश्योर करना है ड्यूरिंग डेटा एंट्री। तो ये हम इंश्योर करेंगे डेटा वैलिडेशन फीचर यूज करके। अब वो कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक्सेल का वर्कबुक ओपन करते हैं। ये हमने एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिया। अब इस वर्कबुक को हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल, सेव करने के लिए फाइल, देन सेव एस। अब हमें जिस भी लोकेशन पे इस वर्कबुक को सेव करना है वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो डेस्कटॉप पे मेरे एक फोल्डर है एक्सेल फोल्डर, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है एक्सेल फोल्डर, मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देते हैं, मैंने दे दिया सेशन 9, क्योंकि आज हमारा 9th सेशन है, एंड सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमने वर्कबुक को सेशन 9 फाइल नेम से हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे एक्सेल फोल्डर में। अब बाय डिफॉल्ट हमें वर्कबुक में एक शीट मिलती है, शीट 1। अब इस वर्कबुक पे हमें स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड करना है, तो हम ऐसा करते हैं इस शीट पे हम स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड करेंगे। तो इस शीट का हम नाम रीनेम कर देते हैं। तो शीट 1 को हम रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, हम शीट 1 पे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने डबल क्लिक किया, ये नेम जो है ये एडिटेबल हो गया। अब हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करके स्टूडेंट डेटा दे देते हैं। तो हमने शीट 1 को रीनेम करके स्टूडेंट डेटा कर लिया। अब स्टूडेंट डेटा शीट में हम स्टूडेंट का डेटा एंटर करेंगे। अब हम सबसे पहले कॉलम हेडिंग्स एंटर करते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हेडिंग है सीरियल नंबर, नेक्स्ट रोल नंबर, फिर स्टूडेंट का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड लास्ट में मार्क्स। तो हमारे ये कॉलम हेडिंग्स हो गए स्टूडेंट डेटा के। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर डेटा एंटर कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हम 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करेंगे स्टूडेंट डेटा शीट पे। सबसे पहले हम मार्क्स कॉलम में डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जिन जिन सेल्स में डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है हमने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। तो हमें 5 स्टूडेंट्स के लिए डेटा एंटर करना है, तो हमने 5 सेल्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और फिर हम जाएंगे डेटा टैब में, ये है डेटा टैब। डेटा टैब में यहाँ पे ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हमने क्लिक किया डेटा वैलिडेशन पे, अभी डेटा वैलिडेशन का डायलॉग ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले है अलाउ। अलाउ में हमें किस तरह की वैल्यू चाहिए, तो हमें होल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे होल नंबर ले लेंगे। अगर हमें डेटा डेसिमल में भी एंटर करना है, जैसे हमें अगर 94.5 एंटर करना है या 60. समथिंग एंटर करना है, तो हम डेसिमल वैल्यू डेसिमल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें होल नंबर चाहिए तो हम होल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने होल नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम डेटा हमें कैसे चाहिए, डेटा हमें किसी रेंज के बिटवीन चाहिए या नॉट बिटवीन चाहिए या इक्वल टू चाहिए, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हमें 0 और 100 से के बीच का डेटा चाहिए, हमें 0 और 100 के बिटवीन चाहिए डेटा, तो हमने यहाँ पे बिटवीन सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू देंगे, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 और मैक्सिमम है हमारी 100। हमें 0 और 100 से के बीच का ही डेटा इसमें एंटर करना है। 0 और 100 के बीच का ही डेटा हमारी रेंज है 0 से 100। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, और यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया कि हमें बिटवीन चाहिए, बिटवीन 0 एंड 100।
अब नेक्स्ट है यहाँ पे इनपुट मैसेज। यहाँ पे इनपुट मैसेज टैब में हम यूज़र को यहाँ पे हम बता सकते हैं, यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं कि इस इन सेल्स में हमें किस तरह का डेटा एंटर करना है। तो सबसे पहला है टाइटल। तो सब जब जैसे ही यूज़र सेलेक्ट करेगा सेल को, शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड। तो जैसे ही यूज़र सेल को सेलेक्ट करेगा, ये जो हम यहाँ पे इनपुट मैसेज अभी टाइटल और इनपुट मैसेज हम देंगे, वो इनपुट मैसेज अपीयर होगा, शो होगा। तो सबसे पहले दे देते हैं हम टाइटल, मार्क्स दे दिया टाइटल में हमने, या हम कैपिटल में दे देते हैं टाइटल मार्क्स, और यहाँ पे दे देते हैं एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। तो यहाँ पे हमने यूज़र को मैसेज दे दिया कि इस सेल में 0 से 100 के बीच ही मार्क्स एंटर करना है। अब नेक्स्ट है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में क्या है कि अगर यूज़र ने गलत डेटा एंटर कर दिया, अभी मार्क्स के एग्जांपल में अगर यूज़र ने 0 से 100 के बाहर की वैल्यू एंटर कर दी, फॉर एग्जांपल अगर 200 एंटर कर दी, तो किस तरह का अलर्ट हमें, एरर अलर्ट हमें यूज़र को शो करना है, यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है। तो अलर्ट का स्टाइल कैसा हमें चाहिए, हमें स्टॉप चाहिए या हमें सिर्फ वार्निंग दे करके देना है? तो वार्निंग अगर हम करेंगे तो इस तरह का अलर्ट का साइन आएगा, स्टाइल आएगा। अगर हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देना है तो इस तरह की का सिंबल आएगा, इस तरह का स्टाइल आएगा अलर्ट मैसेज में। तो हमें यूज़र को प्रिवेंट करना है, हमें स्टॉप करना है कि वो गलत डेटा बिल्कुल भी एंटर ना करे। तो हमने यहाँ पे स्टाइल स्टॉप ले लिया, मतलब हम गलत डेटा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते इस इन सेल्स में। तो यहाँ पे हमने स्टॉप ले लिया, और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं। तो जब भी यूज़र गलत डेटा एंटर करेगा तो ये टाइटल, ये मैसेज बॉक्स अपीयर होगा जिस मैसेज बॉक्स का टाइटल होगा मार्क्स इनपुट एरर, और एरर मैसेज हमें क्या देना है, एरर मैसेज हम दे देते हैं एंटर मार्क्स इनवैलिड मार्क्स एंटर कर सकते हैं, या फिर एंटर मार्क्स बिटवीन कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। तो यहाँ पे हमने एक एरर मैसेज भी दे दिया और हमने टाइटल भी दे दिया, और लास्ट में हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम देखिए, ये है इन्फॉर्मेशन मैसेज, इनपुट के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इसमें हमें इन सेल्स में हमें मार्क्स एंटर करना है 0 से 100 के बीच में। तो अगर हम 0 से 100 के बीच में मार्क्स एंटर करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 77 एंटर कर दिया, तब तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर हम 0 से 100 के बाहर मार्क्स एंटर करेंगे, अगर हमने यहाँ पे 121 एंटर किया, तो ये एरर मैसेज शो करेगा। ये देखिए, हमने टाइटल दिया था मार्क्स इनपुट एरर, और मैसेज में डाला था एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 100। तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम रीट्राई कर सकते हैं या फिर हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो वापस जो पहले जो वैल्यू थी सेल में वो वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक बार रीट्राई करते हैं। रीट्राई में हम अब सही मार्क्स एंटर करते हैं। सही मार्क्स हमने 66 एंटर कर दिया, जो रेंज के अंदर है, 0 से 100 के बीच में है। तो ये एरर मैसेज चला गया। अब हम एक बार और रॉन्ग मार्क्स एंटर करते हैं। रॉन्ग मार्क्स में हमने 132 एंटर कर दिया। अब हम इसे कैंसिल करेंगे तो जो पहले जो वैल्यू थी वो आ जाएगी। पहले यहाँ पे एम्प्टी था ये सेल, तो यहाँ पे ये सेल एम्प्टी हो गया। तो अब हम यहाँ पे करेक्ट मार्क्स एंटर कर देते हैं 55, तो यहाँ पे ये कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने मार्क्स कॉलम में डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई किया। अभी मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। अब नेक्स्ट है जेंडर। अब जेंडर में हमें पता है या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो जेंडर, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मास्टर डेटा शीट मेंटेन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट करना है। यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है, हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू शीट क्रिएट करने के लिए। हमने क्लिक किया, ये न्यू शीट क्रिएट हो गई। अब इस शीट का हम एक नाम दे देते हैं मास्टर डेटा। अब हम सारा स्मॉल लेटर में यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्मॉल लेटर में देते हैं मास्टर डेटा। और यहाँ पे जेंडर, और जेंडर में हमें क्या क्या हो सकता है, मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है, मेल एंड फीमेल। अब हम वापस चलते हैं स्टूडेंट डेटा शीट पे। अब हमने इन सारे सेल्स पे डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है जेंडर को वैलिडेट करने के लिए। तो हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, फिर हम गए डेटा वैलिडेशन पे। डेटा टैब में है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, डेटा टैब में डेटा टूल ग्रुप के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, फिर हम सेटिंग्स पे गए। अब हमें अलाउ करनी है वैल्यू,
लिस्ट से, जो हमने मास्टर डेटा में जो एक लिस्ट बनाई है, हमें उस लिस्ट से वैल्यू को पिक करना है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, और लिस्ट का सोर्स क्या है, लिस्ट का सोर्स है ये मास्टर डेटा। तो हमने मास्टर डेटा पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमें जो दो वैल्यूज़ हमें लिस्ट में चाहिए, मेल एंड फीमेल, हमने दोनों को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यूज़र को इनपुट मैसेज देना है कि इन सेल्स में किस तरह का डेटा एंटर करना चाहिए, यूज़र को किस तरह का डेटा एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे हम इनपुट मैसेज दे देते हैं, जेंडर डेटा। जेंडर डेटा में यहाँ पे हम इनपुट मैसेज हमारा हो जाएगा सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन अपेयर होगा, एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बन जाएगा जिसमें दो ऑप्शन होंगे, मेल एंड फीमेल। तो यूज़र को उस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वैल्यू या सेलेक्ट डेटा कर देते हैं, सेलेक्ट डेटा मेल फीमेल फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अगर यूज़र गलत डेटा एंटर करता है तो हमें क्या एरर अलर्ट चाहिए, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमें स्टॉप स्टाइल का एरर अलर्ट चाहिए, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, स्टॉप स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। और टाइटल में हमें चाहिए, टाइटल में एंटर कर देते हैं हम जेंडर इनपुट एरर, जेंडर इनपुट एरर। और गलत डेटा एंटर होने पे जो हमें एरर मैसेज चाहिए, तो हमें एरर मैसेज जो भी चाहिए हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर सेलेक्ट डेटा फ्रॉम, सेलेक्ट डेटा मेल फीमेल फ्रॉम ड्रॉप डाउन, एंड लास्ट में ओके कर दिया हमने सारे चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बन गया, ये आप देख रहे हैं ये एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बन गया। यहाँ से हम मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने मास्टर डेटा में जो भी यहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में आ गया, क्योंकि हमने जब डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई किया था तो हमने अलाउ किया था वैल्यूज़ फ्रॉम लिस्ट, हमने अलाउ की थी वैल्यूज़ फ्रॉम लिस्ट, और इस लिस्ट में जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी मास्टर डेटा शीट के इन दोनों सेल से, A2 एंड A3 सेल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है इक्वल का साइन, उसके बाद है शीट का नाम, शीट के नाम के बाद यहाँ पे है सेल का नाम कि हमें किन किन सेल से डेटा ड्रॉप डाउन में शो करना है, पिक करना है। तो वो इस तरीके से हम यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करते हैं, और लास्ट में हमने ओके किया था चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। तो यूज़र क्या करेगा, हमेशा जो भी डेटा एंटर कर रहा है हम हमेशा यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे, या तो हम मेल करेंगे या तो फीमेल करेंगे, कोई और डेटा हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। और अगर हमने यहाँ पे गलती से भी कुछ गलत डेटा एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा एंटर कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे ये एरर मैसेज दे रहा है सेलेक्ट डेटा मेल फीमेल फ्रॉम ड्रॉप डाउन, तो मुझे यहाँ पे डेटा करेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा इस ड्रॉप डाउन से। ये देखिए, तो इस तरीके से हम लिस्ट से भी वैल्यूज़ को अलाउ कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में हमारा वैलिडेशन का क्या क्राइटेरिया रखना है हमें, हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ हम इसमें एंटर करेंगे वो डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2004 से आगे की हो, उसके आगे की हो। तो सबसे पहले हमने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें इन सेल्स में डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है। फिर हम गए डेटा वैलिडेशन पे, डेटा टैब में डेटा टूल ग्रुप्स के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है, और यहाँ पे हम डेट अलाउ डेट सेलेक्ट करेंगे, अलाउ डेट ग्रेटर देन 1 जनवरी 2004, मतलब 2004 से आगे की डेट हमें इस पे अलाउ करनी है। और यहाँ पे हम इनपुट मैसेज दे सकते हैं, ये इनपुट मैसेज ये ऑप्शनल है, हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर हमें इनपुट मैसेज शो नहीं करना है तो, पर अभी हम इस एग्जांपल में सारे इनपुट मैसेजेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। DOB या फिर हम डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंटर डेट ग्रेटर देन 1 जनवरी 2004। और एरर अलर्ट में हमें स्टॉप साइन चाहिए, अगर हमें वार्निंग चाहिए तो हम यहाँ पे वार्निंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वार्निंग सेलेक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। टाइटल में दे दिया डेट ऑफ बर्थ
इनपुट एरर, और यहाँ पे मैसेज में दे देते हैं एंटर डीओबी या डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 1st Jan 2004। अभी हमारे सारा डेटा वैलिडेशन का ये सारे सेटिंग्स कंप्लीट हो गए। अब हम ओके कर देते हैं अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमने डेट टाइप डेटा को अलाउ किया जो ग्रेटर देन है 1st January 2004 से, और हमने एक इनपुट मैसेज सेट किया और फिर हमने अलर्ट मैसेज भी सेट किया, और स्टाइल में हमने इस बार वार्निंग लिया है, हमने एरर नहीं लिया। तो वार्निंग के लिए इस तरीके का सिंबल आएगा और इसका जो मैसेज बॉक्स आएगा वो भी एरर वाले मैसेज बॉक्स से डिफरेंट होगा। ओके पे क्लिक किया तो अब हम एक करेक्ट डेट एंटर करते हैं। करेक्ट डेट है हमारी 1st January 2005, क्योंकि 2004 से आगे की हमें एंटर करनी है तो हमें 2005 की एंटर कर दी। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब हम 2004 से पहले की डेट एंटर करते हैं, 1st January 2003 एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ इनपुट एरर, एंटर डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 1st January 2004। अब जब हमने चूंकि वार्निंग सेलेक्ट किया है तो इसलिए ये एक्सेप्ट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे अगर हम यस कर देंगे तो 2003 डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें वार्निंग ऑप्शन सेलेक्ट किया, हमने एरर नहीं सेलेक्ट किया। ये स्टॉप नहीं करेगा यूज़र को, ये सिर्फ वार्न करके छोड़ देगा। तो अगर हम नो करेंगे तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, अगर हम यस कर देंगे तो कंटिन्यू कर देगा ये, मतलब ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम यस कर देंगे तो ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा। तो चूंकि हमने वार्निंग स्टाइल सेलेक्ट किया था इसीलिए यस करने पे यहाँ पे डेटा यस का ऑप्शन आ रहा था, मतलब ऑप्शन था कि हम कंटिन्यू कर दें इस रॉन्ग डेटा को भी। लेकिन अगर हम स्टॉप लेते जैसा कि हमने जेंडर और मार्क्स में किया था, अगर जेंडर में हम कुछ गलत डेटा एंटर करें तो ये हमें अलाउ नहीं करता गलत डेटा एंटर करने के लिए। यहाँ पे कंटिन्यू करने का ऑप्शन ही नहीं है, ये एरर वाले स्टाइल में कंटिन्यू करने का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे हम या तो रीट्राई कर सकते हैं या फिर हम कैंसिल कर सकते हैं, हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। जो वार्निंग में हमारे पास ऑप्शन था कंटिन्यू करने का, अभी आपने देखा कि वार्निंग में जो मैसेज बॉक्स आता है वो डिफरेंट है एरर मैसेज बॉक्स से। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं, यस नो कैंसिल एंड हेल्प। वार्निंग में चार ऑप्शन हैं, हम यस करके इस रॉन्ग डेटा को हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और हम नो करके इसको हम करेक्ट डेटा एंटर भी कर सकते हैं, और हम कैंसिल भी कर सकते हैं। मगर एरर स्टाइल में अगर हम स्टॉप स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो स्टॉप स्टाइल में हम यस नो हमें ऑप्शन नहीं आता, या तो रीट्राई कर सकते हैं या तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वार्निंग स्टाइल में और एरर स्टाइल में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वार्निंग स्टाइल में हमें इनवैलिड इनपुट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होता है, मगर अगर हम स्टॉप स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें इनवैलिड इनपुट को एक्सेप्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, उसमें हम या तो रीट्राई कर सकते हैं या तो हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसा कि हमने मार्क्स में और जेंडर में सेट किया है। मार्क्स में अगर हम गलत मार्क्स एंटर करेंगे, इनवैलिड करेंगे, तो हम या तो रीट्राई कर सकते हैं या फिर हम कैंसिल कर सकते हैं, ये है स्टॉप स्टाइल। और वार्निंग वाले में हम इनवैलिड इनपुट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं येस पे क्लिक करके, एंटर डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 1st Jan 2004, इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस डेट, इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस डेट यू कैन क्लिक ऑन येस, एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस डेट हमें नो पे क्लिक करना है, और हम डेट को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट डेट डाल सकते हैं, और हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है स्टॉप स्टाइल में और वार्निंग स्टाइल में। अब नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन स्टाइल। अगर हम इन्फॉर्मेशन स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस डेटा को डिलीट कर देते हैं, और चूंकि हमें डेट ऑफ बर्थ में हमें रॉन्ग इनवैलिड इनपुट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, तो हम इसका रूल चेंज कर देते हैं। हम इसका जो स्टाइल है वो हम वापस स्टॉप कर देते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें जो भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है वो 1st January 2000 के बाद की ही रखनी है, हमें रॉन्ग इनपुट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, इनवैलिड इनपुट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। तो हमने इसको एक स्टॉप कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। अब हम अगर रॉन्ग डालेंगे तो हमें यहाँ पे येस का ऑप्शन नहीं आ रहा, हम रॉन्ग इनपुट को इनवैलिड इनपुट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब हमें इसे या तो रीट्राई करना होगा या तो कैंसिल करना होगा, तो हम रीट्राई कर देते हैं और यहाँ पे हम करेक्ट डेट डाल देते हैं, हमने 2009 डाल दिया जो वैलिड है। तो अभी के लिए मैं इन डेटा को डिलीट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेम में। अब नेम कॉलम के लिए हमारा वैलिडेशन क्राइटेरिया ये है कि हमें सिर्फ इस कॉलम में टेक्स्ट डेटा को अलाउ करना है, सिर्फ हमें टेक्स्ट इनपुट ही एक्सेप्ट करना है इस कॉलम के लिए। तो अब वो कैसे करेंगे,
तो किसी भी सेल में जो डेटा है वो टेक्स्ट डेटा है या नहीं है ये चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक इनबिल्ट फंक्शन है, इज टेक्स्ट फंक्शन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला राइट कर रही हूँ, फॉर्मूला हमारा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, मैंने लिख दिया सबसे पहले इक्वल साइन और एक फंक्शन है इज टेक्स्ट फंक्शन है ये। इस टेक्स्ट फंक्शन एक पैरामीटर लेता है वैल्यू, तो हमें जिस भी सेल के टेक्स्ट को हमें चेक करना है कि वो टेक्स्ट है या नहीं है, हम उस सेल को, उस सेल का रेफरेंस यहाँ पे हम राइट करेंगे। तो हमने C2 सेल सेलेक्ट कर लिया कि C2 सेल में जो हमने इनपुट किया है वो टेक्स्ट है या नहीं है, हमें ये बताएगा इस टेक्स्ट फंक्शन, ये हमें ये रिटर्न करेगा। अगर C2 सेल में जो इनपुट है वो अगर टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट डेटा है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन टाइप है, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। हम ये ब्रैकेट हमने ओपन किया था, हम इसे क्लोज कर देते हैं पैरामीटर पास करने के बाद, और हमने क्लिक किया एंटर पे फॉर्मूला के रिजल्ट के लिए। तो अभी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं किया है। अब जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट डेटा राइट करेंगे, हमने राइट कर दिया राम, तो ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि राम ये टेक्स्टुअल डेटा है। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक डेटा राइट करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये टेक्स्टुअल डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो इस तरीके से इस टेक्स्ट फंक्शन वर्क करता है। अब सेम इसी फॉर्मूला को हम डेटा वैलिडेशन रूल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसे भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जिन भी सेल्स पे डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है, डेटा वैलिडेट करना है, उन सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये पांचों सेल सेलेक्ट कर लिए और फिर हम गए डेटा वैलिडेशन पे, हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे अलाउ ऑप्शन में, सेटिंग्स में अलाउ ऑप्शन में यहाँ पे कस्टम ऑप्शन है, कस्टम ऑप्शन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मूला का टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे हमारा फॉर्मूला राइट करना है, जो भी फॉर्मूला हम इन सेल्स पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला राइट किया था इस टेक्स्ट वाला, हमने वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो C2 सेल के लिए हमने फॉर्मूला राइट किया है, मगर हमने चूंकि सारे सेल्स को सेलेक्ट किया तो ये फॉर्मूला सारे सेल्स पे अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। और हमें एक इनपुट मैसेज चाहिए तो हम यहाँ पे इनपुट मैसेज डाल देते हैं, जिससे कि जैसे ही यूज़र इस सेल को सेलेक्ट करे उसको किस तरह का डेटा इस सेल में एंटर करना है एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं टाइटल में नेम इनपुट, और इन्फॉर्मेशन हमें देना है कि एंटर ओनली टेक्स्ट डेटा। और जब यूज़र कुछ गलत डेटा एंटर करे तो हमें यूज़र को अलर्ट शो करना है, तो वो है एरर अलर्ट में। तो हमें यूज़र को स्टॉप करना है या यूज़र को वार्न करना है या यूज़र को इन्फॉर्म करना है। तो हमने स्टॉप और वार्न तो हमने देख लिया किस तरह से वर्क करता है, अब हम एक बार इन्फॉर्मेशन वाला स्टाइल भी देख लेते हैं। तो अभी के लिए हम इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का हमें टाइटल देखना है, टाइटल एंटर करना है, तो नेम टाइटल दे देते हैं, नेम इनपुट एरर, और एरर मैसेज हमें क्या शो करना है वो हम यहाँ राइट करेंगे, एंटर टेक्स्ट डेटा फॉर नेम फील्ड या कॉलम। तो हमारे ये सारे सेटिंग्स कंप्लीट हो गए, अब हम इनको अप्लाई करने के लिए ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे हमने सेल सेलेक्ट किया ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, नेम इनपुट एंटर ओनली टेक्स्ट डेटा। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट में नेम डालते हैं, तो हमने डाला राम, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे अगर कुछ रॉन्ग इनपुट डालेंगे, अगर हम न्यूमेरिक डेटा डाल देते हैं और हमने एंटर क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है एंटर टेक्स्ट डेटा फॉर नेम कॉलम। अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने 66 टाइप किया है न्यूमेरिक डेटा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो जो पुराना डेटा था वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, जो प्रीवियस डेटा था। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन में सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमें स्टॉप नहीं करता, ये सिर्फ इन्फॉर्म करके छोड़ देता है, ये हमें स्टॉप नहीं करता इनवैलिड इनपुट डालने से। अब चूंकि हमें इस कॉलम में सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही चाहिए, हमें यूज़र को डेटा एंट्री जो भी कर रहा है हमें उसको प्रिवेंट करना है कि वो रॉन्ग डेटा बिल्कुल भी एंटर ना करे, तो हम इसके लिए भी हम स्टाइल चेंज करके स्टॉप स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और हम यहाँ वापस से स्टॉप स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड क्लिक कर दिया हमने ओके पे। अब ये स्टाइल सब पे अप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पर डालते हैं 99
देखिए यहाँ पे ये स्टॉप स्टाइल आ रहा है, रीट्राई और कैंसिल, क्योंकि स्टॉप स्टाइल में हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता इनवैलिड डेटा, तो हम यहाँ पे रीट्राई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करेक्ट डेटा डालते हैं जो है टेक्सचुअल डेटा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं श्यामा, तो अब इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन रूल्स को, वैल्यूज़ को अलाउ करने के लिए हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं रूल्स को, उसमें हम फॉर्मूलाज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने नेम के लिए डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करा है, रूल बनाया है, रूल क्रिएट किया है, ठीक इसी तरीके से हम रोल नंबर कॉलम के लिए भी रूल क्रिएट करते हैं। रोल नंबर कॉलम में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही एक्सेप्ट करना है। तो न्यूमेरिक डेटा के लिए एक फंक्शन है इज़ नंबर फंक्शन है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मूला राइट करती हूँ, इक्वल का साइन फॉर्मूला के लिए, और एक्सेल में एक बिल्ट इन फंक्शन है इज़ नंबर। इज़ नंबर फंक्शन क्या करता है, वो हमें बताता है कि जो सेल में डेटा एंटर्ड है वो न्यूमेरिक है या नहीं है, चेक वेदर अ वैल्यू इज़ नंबर एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो वो अगर नंबर होगा सेल का जो डेटा है, वो अगर न्यूमेरिक होगा, वो नंबर होगा, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने इस नंबर फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें जिस ये एक आर्गुमेंट लेता है, एक पैरामीटर लेता है, तो ये यहाँ पे हमें वो देना है कि हमें जिस सेल को चेक करना है, तो हमें इस सेल कुछ बी टू सेल को चेक करना है कि बी टू सेल में जो डेटा एंटर्ड है वो न्यूमेरिक है या नहीं है। और हमने इसको क्लोज कर दिया एंड एंटर हिट किया रिजल्ट के लिए। तो अभी चूंकि ये सेल एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डेटा डालेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर हम नंबर डेटा डालेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो पहले हम नंबर डेटा डालते हैं, तो ये देखिए ये ट्रू हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ नॉन न्यूमेरिक डेटा डालते हैं, तो हमने डाल दिया कुछ अल्फ़ाबेट्स डाल दिए, तो ये देखिए ये फॉल्स हो गया। तो अब हम इस रो कॉलम को वैलिडेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको भी हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो जब भी फॉल्स रिटर्न करता है, अभी डेटा वैलिडेशन में कस्टम क्राइटेरिया कैसे काम करता है, तो जब भी ये फॉर्मूला फॉल्स रिटर्न करेगा तो एरर मैसेज थ्रो होगा। तो इनको पहले हम डिलीट कर देते हैं, और हमें जिन भी सेल्स पे रूल अप्लाई करना है, डेटा वैलिडेशन करना है, उन सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम गए डेटा वैलिडेशन पे, हमने क्लिक किया, हम सेटिंग्स पे गए और यहाँ पे अलाउ कस्टम वैल्यूज़। अब कस्टम वैल्यूज़ में फॉर्मूला में अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था इज़ नंबर, हमने वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इज़ नंबर फॉर्मूला, इज़ नंबर फंक्शन सेल में जो डेटा है वो न्यूमेरिक है या नहीं है उसके बेसिस पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर जो डेटा एंटर किया है वो न्यूमेरिक डेटा है, नंबर डेटा है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो नॉन न्यूमेरिक डेटा है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमें एक इनपुट मैसेज चाहिए, तो हम यहाँ पे इनपुट मैसेज डाल देते हैं, रोल नंबर इनपुट, और यहाँ पे मैसेज हमारा एंटर नंबर डेटा ओनली। और जब एरर आए तो हमें क्या मैसेज थ्रो करना है वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो टाइटल रोल नंबर इनपुट एरर एंटर नंबर डेटा ओनली। अभी सेटिंग्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब हम रूल को अप्लाई करने के लिए, डेटा वैलिडेशन रूल को अप्लाई करने के लिए ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इनपुट मैसेज आ रहा है, रोल नंबर इनपुट एंटर नंबर डेटा ओनली। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिक डेटा एंटर करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, पर अगर हम नॉन न्यूमेरिक डेटा एंटर करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, एंटर नंबर डेटा ओनली रोल नंबर इनपुट एरर। यहाँ पे टाइटल आ गया और नीचे एरर मैसेज आ गया। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं अपने डेटा के लिए, जिससे कि यूज़र कोई रॉन्ग डेटा इनपुट ना कर सके। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें हम कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। सबसे पहला सीरियल नंबर, उसमें हम रोल नंबर डाल देते हैं 101, और नेम में डाल देते हैं राधा, डेट ऑफ बर्थ में डाल लेते हैं 1st 2005, जेंडर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल या फीमेल हमें जो भी करना है, राधा इज़ फीमेल, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और मार्क्स राधा के डाल देते हैं 88, जो विदिन रेंज है। अब ये सारा हमने वैलिड डेटा एंटर किया। अब यहाँ पे रोल नंबर में अगर हम नॉन न्यूमेरिक डेटा एंटर करेंगे तो ये एरर देगा, ये देखिए। तो हमें यहाँ पे वैलिड रोल नंबर एंटर करना है, जो नंबर डेटा है 102 हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे नाम डाल देते हैं, अगर नाम में हम नंबर डेटा एंटर करेंगे तो एरर देगा, ये देखिए।
तो यहाँ पे नाम में हमें टेक्स्ट डेटा डालना है, श्यामा डाल दिया हमने। और इसका डेट ऑफ बर्थ अगर हम 1 जनवरी 2004 से पहले का डालेंगे तो ये एरर देगा। 1 जनवरी 2002 डाला हमने, तो ये देखिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है, तो हमें ये एरर दिया यहाँ पे, एंटर डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 1 जनवरी 2004, तो हमें 2004 से बाद की ही डेट डालनी है। तो यहाँ पे हमने 4/3/2006 डाल दिया, जेंडर फीमेल, और यहाँ पे मार्क्स डाल दिया हमने 77। अगर हम कुछ आउट ऑफ रेंज मार्क्स डालेंगे तो यहाँ पे हमें एरर थ्रो करेगा। अगर हम यहाँ पे 999 डाल देते हैं तो ये देखिए एरर थ्रो कर रहा है, एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100, तो हमें 0 से 100 के रेंज की ही मार्क्स डालनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा 103, शैलेश नाम डाल दिया हमने, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 2/2/2007, जेंडर मेल। अब यहाँ पे मेल और फीमेल ऑप्शन है, अगर हम इनके अलावा कुछ भी और डेटा डालेंगे तो ये हमें एरर देगा। ये देखिए सेलेक्ट डेटा मेल फीमेल फ्रॉम ड्रॉप डाउन, तो हमें इस ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करना है, ये वो एरर मैसेज में मेंशन हमने किया था। तो यहाँ पे हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम मार्क्स डाल देते हैं, मार्क्स डाल देते हैं हम यहाँ पे 99, 104, रोल नंबर, नाम राहुल, डेट ऑफ बर्थ 3/3/2007, मेल डाल दिया और मार्क्स डाल देते हैं हम 77, 105, फीमेल मार्क्स डाल देते हैं हम 87। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अभी टेबल को हम ज़रा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ब्यूटीफाई करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, हमने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑप्शन है, एक फॉर्मेट ऑप्शन है हमारे पास, फॉर्मेट एज टेबल। होम टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल, हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस टेबल के फॉर्मेट अवेलेबल हैं, हमें जो भी फॉर्मेट चाहिए हम वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज हम खुद से भी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे हमसे कि वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। तो हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो हमारा डेटा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, एंड माई टेबल हैज़ हेडर, हमने इस पे भी क्लिक कर दिया क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट रो है टेबल का, रो वन, वो हेडर है। तो हमारे जो भी सेल का रेंज है A1 से लेकर F6 तक, ये पूरा हमारा सेल का डेटा है, तो वो रेंज हमने यहाँ पे मेंशन की है। A1 से लेकर F6 तक टेबल का जो डेटा है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और हम क्लिक कर देंगे ओके पे। तो ये देखिए टेबल हमारा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया, और जो हमारा फर्स्ट रो था ये हेडिंग रो है, वो भी यहाँ पे आ गया। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम एक्सेल का डेटा वैलिडेशन फीचर यूज़ करते हैं मिस्टेक्स को प्रिवेंट करने के लिए, मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।